हेलो फ्रेंड्स, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। टीम इंडिया अपने टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है उसके लिए टीम इंडिया धर्म में इकट्ठा भी हो चुकी है। लेकिन उससे पहले जो एक वार्म अप मैच खेला जाना है उसके लिए टीम इंडिया टीम बस की राइड पर निकली, जिसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आई। जी हाँ, तस्वीरें शेयर किसने की हैं? विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें सबसे ज्यादा टीम बस की जो राइड है वो पसंद आती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली काफी फेमस हैं, करोड़ों की उनकी संपत्ति है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने टीम बस की जो राइड है वही सबसे ज्यादा पसंद है। हालांकि मुश्किलें जो हैं वो टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में ऋषभ पंत कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि इसका असर टीम पर देखने को नहीं मिलेगा, बीसीसीआई ने इस बात को साफ कर दिया है। और बीसीसीआई ने एक बात में ये भी कहा कि दोनों जो डोज हैं टीम पूरी टीम को और उनके पूरे परिवार के सदस्यों को भी लग चुकी है, लेकिन बावजूद उसके ऋषभ पंत पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद खलबली सी मच गई। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि 5 और 6 जुलाई को वो डेंटिस्ट के यहाँ पर विजिट करने गए थे और संभवतः वहीं से उन्होंने संक्रमण को कैच किया गया होगा। हालांकि एक रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, दूसरी रिपोर्ट भी उनके यहाँ पर अगर पॉजिटिव आती है तो टीम का हिस्सा वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो धर्म में टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर जो रिपोर्ट सामने आती है उसको लेकर फैंस लगातार एक्साइटेड हैं और उसको लेकर जानना भी चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, ये जो वार्म अप मैच होने वाला है इसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेंगे? कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ये जरूर बताएं। और हाँ, स्पोर्ट्स से जुड़े ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।